इंदौर जिले में खंडवा रोड स्थित सिमरौल में आईआईटी कैंपस परिसर के आसपास विगत 5 दिनों से एक तेंदुआ देखा जा रहा था, जिसके कारण आसपास के ग्रामीण जनता में दहशत का माहौल था। इसके चलते ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। इसके बाद वन विभाग द्वारा तेंदुए को कैद करने के लिए पिंजरा रखा। 4 दिनों से तेंदुआ कैद नहीं हुआ, पर आज सुबह आईआईटी कैंपस के पास पिंजरे में फंस गया। वन विभाग द्वारा बताया गया कि इस तेंदुए को किसी संरक्षित स्थान पर जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक में सभी ने फैसला किया कि धार्मिक स्थल अभी नहीं खोले जाएंगे। अभी एक और बैठक की जाएगी जिसमें तय किया जाएगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज सभी भोपाल के सभी धर्म गुरुओं से अनुरोध किया गया था, वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा ये फीडबैक दिया गया है कि अभी वो पूरी तरह से इसको खोलने में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट है, वो तैयारी के लिए थोड़ा सा समय चाहते हैं और वो तैयारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सैनिटाइज़र की बात हो या साबुन की बात हो, हाथ धोने की बात हो, मास्क की बात हो, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि कल से धार्मिक स्थल भोपाल में अभी नहीं खुलेंगे। एक रिव्यू और होगा इसका, उनके साथ बैठक होगी, बात होगी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको अगले सप्ताह से खोला जाएगा। सर, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें बोली गई हैं कि क्या एहतियात रखें, अभी एक हफ्ते में किस तरह की तैयारी करने है? अभी ये कहा गया है कि देखिए, कोरोना से बचने के जो उपाय हैं जो हम लोगों ने इतने दिनों में न केवल सुने हैं बल्कि महसूस कर लिया है, वही उनको बताया गया कि आप हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखें, मास्क की व्यवस्था रखें और फिजिकल डिस्टेंस की व्यवस्था रखें। यदि हम ये तीनों चीज़ें करेंगे, पूरा सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे, तो कोरोना से बच पाएंगे और इसी के साथ हम जितने धार्मिक स्थल हैं उसमें इसी तरह से इसका पालन करते हुए अपने धार्मिक क्रियाओं को किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।